तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल तीन संभावना में। और आज हम सुनने वाले हैं एमी वे मचाएंगे फोर रिमिक्स, जो कि मीमिक्स के चैनल से आया हुआ है। और इसके डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि किसका वर्स होने वाला है और मीमिक्स इसमें अपना वर्स देने वाले हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। मैं बन के आया ना होगा सच्चे ना, मेरे पास से बात करते फासले ना चले, कुत्ते माफी नहीं मिलेगी ने आपको, आजा घर के बाहर लेके लड़के चार, मैं भी हूँ तैयार होगा। ओ भाई, बीट बहुत तगड़ा जा रहा है, बहुत तगड़ा बीट जा रहा है। मुझे लग रहा है यार ये वर्स तो वही लिया गया, वर्स वही है बट बीट चेंज है। बीट बहुत तगड़ा जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। इंतजार फट्टू है भोलेबी को, आजा घर के बाहर लेके लड़के चार, मैं भी हूँ तैयार होगा इंतजार, फट्टू है भोलेबी बंडाई को लगे ले भोग। अरे यार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये खासकर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। स्टेज पे शो एमी वे तो काफ़ी शो करता है, अभी चल ही रहा है उसके शोज, तो उसके लिए खासकर मीमिक्स भाई का बीट है, तो खासकर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया। बाकी वॉस तो वही है और गाना भी 2 मिनट 8 सेकंड का है, तो छोटा ही है। तो उसके कुछ कुछ पार्ट लिए होंगे और जो कि स्टेज पे बजाने होंगे और उस पर ये लोग ग्रो करते हैं। अरे पूरा बोल लेते भाई, बंटाई को लगे ली भूख, उसके आगे तो सब जानते हैं। मुंबई के सड़कों पे PhD, तू देखा भी है क्या रियल स्ट्रीट, छोटी सी उम्र से बहुत कुछ देखे ले, नो फक विद रियल स्ट्रीट, तूने माने कभी हार नहीं, मैंने ठाणी तेरी मारनी, 15 साल से दुख इस रगान, 17 मिलियन मेरा पार, 13 मिलियन भी पार नहीं। मैं बन के आया ना होगा सच्चे ना, मेरे पास से बात करते फासले ना चले, कुत्ते माफी नहीं मिलेगी ने आपको, आजा घर के बाहर लेके लड़के चार, मैं भी हूँ तैयार होगा इंतजार, फट्टू है भोलेबी बंडाई को लगे ले भोग। अरे मतलब ये सारा गेम बीट ही का है। आई थिंक इसीलिए मीमिक्स के चैनल से है, क्योंकि बीट बहुत हार्ड है और इसको ऐसे मतलब प्लेलिस्ट में ऐड तो नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। हाँ बट अगर आप इसको मतलब मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि स्टेज पे अगर जैसे बजेगा तो भाई एकदम लोग पागल हो जाएंगे, क्रेजी हो जाएंगे एकदम। और यार बहुत बहुत हार्ड बीट है। वॉस तो आई थिंक गाली वाली निकाल के जो बचा हुआ था उसको मतलब इसमें फिट कर दिया है। और वो जो लाइन है, बंटाई को लगे ली भूख चुप समझ ही गए होगे। और बीट, हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ यार, बीट ही जो था, बीट ही हिट कर रही थी। और जब मैं सुन रहा था गाना तो मैं सोच रहा था यार अगर ये स्टेज पे बजेगा तो लोग एकदम पागल हो जाएंगे, एकदम क्रेजी हो जाएंगे भाई। आई थिंक ये अगला जब भी जहाँ भी मतलब अभी तो शायद जयपुर हुआ है, अगला जहाँ भी शो होने वाला है बंटाई का, बेंगलोर या जहाँ भी, तो वहाँ पे ये मतलब श्योरली ये तो बजने वाला ही है। अभी तो इसके शायद कमेंट देख लेते हैं, परफेक्ट साउंड टू मेक द पब्लिक जंप, या हाँ बिल्कुल पब्लिक को जंप करने के लिए गाना बनाया गया है।
परफॉर्मेंस ऑन लाइव स्टेज। यस सर, जैसे कि मैं बता ही रहा था कि लाइव स्टेज के लिए बनाया गया परफेक्टली ये गाना, और देखते हैं कि क्या होता है लाइव स्टेज पे। बाकी शिवम भाई की न्यूज़ से पता ही चल जाता है लाइव पे क्या होता है क्या नहीं। अभी शायद आज या कल में दोनों ने, कृष्णा रफ्तार ने और एमी वे ने शायद डिस्ट्रैक्ट तो बजाते ही रहते हैं, पब्लिक तो यही चाहती है ना, हम लोग यही चाहते हैं कि कहाँ से मसाला मिले। तो दोस्तों यही था रिएक्शन। मेरे दो दोस्त अभी किसी मतलब कारण से बाहर गए हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं अकेला रिएक्शन कर रहा हूँ। तो जल्द ही वो भी वापस आएंगे, तो तीनों साथ में बैठ के रिएक्शन करेंगे। दैट्स द रिएक्शन। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।